ट्राईपोर्ट के साथ रिंग लाइट काम कर गया, अच्छा ये काम कर देखिए गया। ऐसे कूड़ी किया हुआ है ये बोटा टाइप का, और उसके बाद उसको फिर वेस्ट टाइप में अरेंज किया जाएगा, और ये जो साइड में पटरी है वो ही गुड उठा मॉर्निंग के इस दोस्तों, पे वेलकम रखा टू जाएगा। अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, रेडी भी हो चुके हैं घर जाने के लिए, और बाहर में आपको दिखाते हैं बाढ़, और साथ में आज एक नया कोई इस रूम में आने वाले हैं जिसको कि हम लाने वाले हैं, घर से ही आने वाला है। तो आज का ब्लॉग तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, श्योर है, क्योंकि हमको कुछ काम है उसीलिए उसको लाना है। फिर चला जाएगा या रहेगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। फिर लाल अभी जाते हैं उसको लाएंगे, और पहले दिखाते हैं रास्ता का जो बाढ़ आ गया मेरे रूम के जस्ट निकलते, कितना पानी है देखिएगा, पूरा पानी लगा हुआ है। तो ये रहा मेरा गली, ये भी डूबा हुआ पूरा। इस गली में जो इतना पानी है, सामने ट्रेन जा रहा, तो सिचुएशन पता चल ही रहा क्या है। देखिए कितना हेल के जा रहा है साइकिल, ओह माय गॉड कैसे जाना। देखिए यहाँ इधर का सिचुएशन, और हम वैसे अक्सर इधर से जाते थे, तो इधर का भी सिचुएशन आज वही है। फ़ोन को अब रखते हैं जेबी में, दोनों साइड देख लीजिए। खाना खा के हम रेस्ट कर लिए हैं, अब जा रहे हैं रूम पे, खाना ले भी लिए हैं साथ में। मोहन को ले जाने वाले थे तो उसको अभी नहीं ले जाएंगे, उसको 4-5 दिन यहाँ काम है, उसके बाद ले जाएंगे। तो अभी चलते हैं रूम पे, वैसे तो नींद लगा है लेकिन वहीं पे जाके सोएंगे, और हमको आज कुछ काम भी है, बैंक वैंक भी जाना है। देखते हैं रूम पे पहुँच के क्या होता, फ़िलहाल तो यहाँ देखते हैं बैग वैग था सब वहीं, पावर बैंक चार्ज वर्ज सब फ़ोन कर रहे थे। तो कब आ गए थे, पूरा दिन रूम में ही रहे, और पीछे देखिए बारिश कंटिन्यू बहुत देर से हो रहा था, तो अभी जस्ट हम रूम से निकले हैं, अभी शाम का टाइम है, और हमको जाना है मार्केट। इधर भी देख सकते हैं पूरा हार्ड पानी लगा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं पूरा पानी लगा हुआ, मतलब बिल्कुल आराम से, मतलब इतना पानी लगा हुआ है जो बाइक उइक का कुछ पता भी नहीं चल रहा है सही से। अगर देख सकते हैं तो पूरा गली में ही पानी पानी हो गया है, देखिए कैसे बाइक को कैसे लगा जा रहा। हम भी खड़े हैं पानी में, तो हम तो सोच रहे थे वहाँ जाने के लिए, वहाँ पे सॉइल इरोजन हो गया है, वहाँ उधर पेड़ लग गया, इधर पूरा मट्टी, तो उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि पूरा गड्ढा है, गड्ढा पूरा भरा हुआ है, सब कोई स्ट्रगल करके ही जा रहा है। तो देख सकते हैं सिचुएशन रूम के बाहर ही हाल है, कहीं ज़्यादा बारिश हुआ तो रूम में भी पानी आ जाएगा, वैसे भी नीचे ही सोते हैं तो क्या होगा पता नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वहाँ चलते हैं, वहाँ से देखने में इधर अच्छा व्यू लगेगा, ट्राई करते हैं। वैसे तो पूरा गड्ढा है, इधर भी देखिए पूरा पानी है, लेकिन ट्राई करते हैं उस वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा मज़ा आएगा इधर से देखने में। तो हम फाइनली आ चुके हैं इस साइड, और देख सकते हैं यहाँ पर अभी पटरी बन रहा है, तो वही बिछ चुका है जो कि हम पहले वीडियो बनाए थे, यहाँ पर पूरा खाली था, तो अभी पूरा पटरी का लग गया है, साइड में पटरी रखा हुआ, तो वो पटरी अब इसमें सेट होगा। और उधर वहाँ से हम आए हैं, तो उधर का तो व्यू देख ही रहे हैं कितना पानी है, कैसे सब जा रहा आ रहा, देखिए बाइक उइक लगता पूरा डूब गया है, और इधर पटरी भी बिछ गया, तो अब ट्रेन जाएगा नेपाल इस पर। देखिए यहाँ से दिखाते हैं, ये रहा वो रहा मेरा गली, और उधर पूरा पानी, मतलब पूरा गली में ही है, और इस साइड यहाँ पर सब घूमने आता है, तो ये देखिए यहाँ पे कितना है। उस साइड एक पटरी है और एक नया बन रहा है जो कि पटरी ये रखा हुआ है साइड में, यहाँ पे अभी ये सेट होगा, ये जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है, अभी पूरा नहीं आया, बस यहाँ तक आया है, और पीछे तो ये सेटिंग भी नहीं हुआ, तो इधर तो पूरा सेटिंग कर दिया गया है, अब इस पर पटरी, अच्छा इस साइड इसका रखा हुआ है, इधर यहाँ तक ही था उसका, तो वहाँ इसके बाद पूरा ये सेटिंग हो जाएगा। और सामने देखिए ट्रेन जा रहा है, वो भोला टॉकीज का फेमस घूमती जाम एरिया है, तो वहाँ फिर जाम होगा। तो ये कंप्लीट हो गया, हम 2-4 रोज़ से सोच ही रहे थे आने के लिए, लेकिन यहाँ साइड में देखिए कैसे धस चुका है बारिश के कारण, यहाँ पर वो रिप्लांट के लिए लाया गया है कुछ पेड़ उड़, लेकिन पता नहीं। और देखिए गली में भी कितना पानी है, इधर आदमी आता है शाम को घूमने के लिए, बहुत भीड़ है। तो हमको यहाँ से जाना है थोड़ा मार्केट सामान के लिए, तो आप यहाँ का व्यू देख लीजिए आराम से, इधर पानी है और इधर
न्यू पटरी का फॉर्मेशन हो चुका है। उस साइड एगो है कि पीछे गली का क्या सिचुएशन है, पूरा पानी यहाँ भी चल रहा है पानी अभी, तो इस गली में भी वही हाल है। और यहाँ हम आए थे प्याज लेने के लिए, फंस गए हैं। ठीक है, कौन सा चीज़ है आप गेस करके बता सकते हैं? देखिए कैसे नमर रहा, पहले छोटा था फिर बड़ा होता, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं? रूम पे आ गए, बाहर क्या प्रॉब्लम था देख लिए, समझ भी गए और क्या सिचुएशन है वो भी समझ गए। तो अब हमको बनाना है सब्जी। रोटी तो आ चुका था, वो पन्नी में रखा हुआ सब्जी हमको यहाँ देख सकते हैं, परवल है और प्याज। अभी जस्ट मार्केट हम इसीलिए गए थे तो उधर भी थोड़ा घूम लिए, रेल का पटरी कैसे बनता वो भी दिखा दिए। लाइट तो है नहीं, तो आप लोग सोचते होगा वीडियो शूट कैसे हो रहा, तो ये देखिए ये मेरा ट्राईपोर्ट के साथ रिंग लाइट काम कर गया, अच्छा काम कर गया, बहुत सपोर्ट किया रात भर, कल भी अच्छा से टैकल किया था और आज भी किया। तो अभी हम खाना बनाते हैं। लाइट भी आ चुका है और मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ रोटी और भुजिया जो बनाए हैं अभी जस्ट ऐसे ही बना के आए हैं, जस्ट अब खाना खाएंगे। तो आज का ब्लॉग तो देख ही लिए, यहीं पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर आ रहा है शानदार ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।